मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है एहसान इलेक्ट्रिशियन का। आज हम बताने वाले हैं कि बोर्ड कोई चीज़ के लिए पावर प्लग बोर्ड या नॉर्मल बोर्ड एक ही जगह कैसे लगता है। ध्यान से दोस्तों समझिए और देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ऐसे करके फ्यूज होते हुए ऐसे इंडिकेटर में लेना है और एक इसमें लेना है। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो पाछे बोलिएगा नहीं कि कैसे बताया। टेस्टर होना चाहिए जिसको हम लोग स्क्रूड्राइवर भी बोल सकते हैं। ये नट को हमको अच्छा से टाइट कर देना है, ये भी इंडिकेटर को भी टाइट कर देना है। ये तार हमारा इसमें ऑनलाइन यूपीएस प्लान रहेगा और इसमें डीसी रहेगा। इस तार को हमको यहीं तक रखना है। यहाँ पर ये कार दी है, कार को निचला फिक्स जो स्विच है उसमें डाल देना है। जो ये सीधी है इसका निचला या ऊपर हिस्सा कोई भी हिस्सा नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरनेट को उतना डिफाइड नहीं होता है। ऐसे करके हमको टाइट कर देना है, फिर एक तार लेना है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, सॉकेट में हमेशा N और L होता है। जूम करके दिखाइए तो M और L होता है। तो जब भी वायरिंग करें तो लोड को हमेशा एक तार स्विच से ऐसे डालना है, स्विच से लेके कटिंग कर लेना है और एल में डाल देना। एल में डाल दिए, इसको टाइट कर देना है अच्छे से। एक रुक रहेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा, एक्टिवेट करेगा लाइट जाएगा। तो अब दोस्तों एक यहाँ पे भी है, इसमें भी समझने वाला ट्रिक होंगे हम पाएंगे। ये तो इसमें जूम करके दिखाई था, इसमें एल जो है अपना एल इधर हो गया, एन उधर हो गया है। ठीक, तो हमको यूजली एल में ही डालना है, वो बेहतर रहता है क्योंकि जितना भी प्लग उसमें भी एल और एन होता है। इसमें हम एल में डालेंगे, एल में ही डालेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारा हो गया। अब इसमें तो तार है, इसमें एक तार लेना है, तो इसमें मेरा और यूपीएस का लेना है एक तार। इसमें इनको लेना है, यहाँ पे स्विच में डाल देना है, ऐसे डाल देना है, फिर एक तार लेना है। आपको हमको यहाँ पर छीलना है, ऐसे करके निचला हिस्सा या ऊपर ऊपर वाला ही हिस्सा है। तो लैम्पियर एक स्विच है, इसमें दो पार है, तो एक ही स्विच से मेरा दोनों काम करेगा। दोस्तों इसमें भी अलग अलग होता है, इसमें भी ध्यान से ही लगाए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ऐसे टाइट कर देना है हमको आराम आराम से। इसको भी एल में ही डालना है, मेरा एक कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों एक तार और लेना है, एक न्यूट्रॉन का कनेक्शन करते हैं। इसमें आप जितना भी कॉइल
एन बचा खाली, इसे एन में एक तार जो है इसे डाल देना है, इनको वहां से डाल दिए, डाल के इसको टाइट कर देना है। फिर आना है इंडिकेटर के पास, वहां से तार को हल्का पुश करके कवर हटा देना है, कवर हटा के इसको मोड़ के अच्छा से मोड़ के इसको इंडिकेटर का एक सिलेंडर निकाल लेना है, इसको यहाँ से टाइट कर